देखिए भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि इस बार 9 पार होने वाली नहीं है। 400 गए थे, 400 चुप्पी ले ली। सिर्फ चुनाव के लिए लोग आएंगे, फिर चले जाएंगे और फिर 5 साल पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये एक डर एक भय सता रहा है बीजेपी पार्टी को कि हमारा उम्मीदवार कहीं से हार न जाए। सिलेंडर कौन सा हमें 50% में मिल गया, पेट्रोल के दाम कौन से 50 रुपए हो गए हैं। 4 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कानपुर में रोड शो करने जा रहे हैं। उस रोड शो को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के लोकसभा जो यहाँ पर प्रभारी हैं अल्पसंख्यक के, उनसे बात कर लेते हैं। दिलसाज जी से बात करते हैं कि रोड शो मोदी का पहली बार कानपुर में हो रहा है, क्या लगता है कि इतना बड़ा मतलब एक भव्य रोड शो कराया जा रहा है बीजेपी को, क्या ऐसा? देखिए भारतीय जनता पार्टी जान चुकी है कि इस बार 9 पार होने वाली नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े आ रहे हैं, इन्होंने 400 गए थे, 400 चुप्पी ले ली। क्यों? कि 129 सीटें साउथ में है जिसमें 128 पे चुनाव होने हैं, वहां इनका कुछ नहीं है। बंगाल में 42 सीटें, वहां 10 के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। 13 सीटें पंजाब में, वहां नील है ये। 7 सीटें दिल्ली में, वहां ये नील है। जिस तरह ये हर राज्य से इनकी विफलताएं सामने आ रही है, तो ये समझ चुके हैं कि इस बार 9 नहीं पार होगी, इसलिए ये हर चीज साम दाम दंड भेद सब अपना रहे हैं। और कानपुर में आने का मकसद क्या है कि कानपुर की हार इनका पहले नजर आ रही है, जो कानपुर के लोकसभा प्रत्याशी इन्होंने दिया है उस पर इनके ही पार्टी के लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि ये बदला जाए। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी सिर्फ इसलिए आगे अपना माहौल बनाना चाहते हैं कि ये हमारा प्रत्याशी जीते, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे देश में ये खत्म भी हो रहा है। और मैं समझता हूँ जो राहुल जी ने कहा है कि 180 पे आ रही है, मुझे लगता है 179 पे रहेंगे। एक चीज और कि आपने एक बात कही कि इनके ही लोग जो है नाराज हैं प्रत्याशी से, एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने एक पत्र भी लिखा था, क्या उसका असर लगता है कि पीएम को यहाँ पर रोड शो करने आना? देखिए जिसने पत्र लिखा था वो भारतीय जनता पार्टी की जो विंग कह लें, इकाई कह लें, एक संगठन का बड़ा अध्यक्ष है वो, और उसकी एक इमेज है शहर में। उन्होंने ये कहा कि परिस्थिति बदलना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जब बड़े नेता विरोध करते हैं तो उसका असर होता है। और जिस तरह रमेश अवस्थी को लाए हैं ये किसी गले के नीचे उतर नहीं रहा है, और मुझे ये लगता है कि ये वोट पर भी असर डालेगी। कानपुर क्योंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, पिछले 2 बार से सांसद यहाँ पर जो है बीजेपी के रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसके बावजूद जो है पीएम यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं, या रोड शो होना ही था, या किसी वजह से रोड शो आपको नजर आ रहा है कि रोड शो किया जाए? देखिए इतने साल हो गए चुनाव तो मैंने अपने लाइफ में देखे हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं देखा जिसके लिए गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों आए हों आगे पीछे। और जनता इस चीज से भी नाराज है कि ये चुनाव से पहले तो आते हैं, सभी नेता आते हैं, कई चुनाव के बाद भी कभी ऐसे आते हैं, जहाँ के जो रोजगार की समस्या है, यहाँ पे कितनी मिलें थी, यहाँ कितनी ट्रेनियाँ थी, यहाँ रोजगार के लिए यूपी का ये हब माना जाता था कानपुर, जहाँ पे लोग पूरे स्टेट से आते थे। लेकिन आज कानपुर के वो हालात हैं कि ना तो मिलें चल रही है, ना ट्रेनियाँ चल रही हैं, और जो जहाँ का फुटवेयर का रोजगार था वो भी खत्म हो गया है। और सिर्फ चुनाव के लिए लोग आएंगे, फिर चले जाएंगे, और फिर 5 साल पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। रोजगार यहाँ का पिछड़ता जा रहा है, यहाँ ये कानपुर आपका स्टेट में सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला है, लेकिन क्या इसका राजस्व इसको मिलता है वापसी? यहाँ का क्या वो होता है, दूसरे शहरों में लग जाता है, कानपुर में नहीं हो पाता है। तो हम तो ये उम्मीद करेंगे कि अगर कोई भी जीते वो विकास के दम पे जीके, वो फिर बाद में वापस भी आए, यहाँ पे बाद में पूछे यहाँ की समस्याएं, यहाँ का रोजगार, यहाँ पे जो कानपुर पिछड़ता जा रहा है रोजगार के मामले में, रोड के मामले में, ट्रांसपोर्टेशन इतना खराब हो चुका है कि यहाँ के लोगों का जो उद्योग है वो खराब हो रहा है। लोग यहाँ छोड़ के लखनऊ जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं, दूसरी जगह पे जा रहे हैं, या दूसरे स्टेट जाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन कानपुर में अपने उद्योग नहीं बढ़ा रहे हैं। आप चाहे टेनवी वालों को देख लीजिए, बंगाल भाग रहे हैं, फुटवेयर वाले दूसरे शहरों में आगरा में भाग रहे हैं, जो यहाँ का पहचान थी वो यहाँ पहचान खोते जा रहे हैं। कांग्रेस के हमारे साथी ने बताया कि बीजेपी में डर है इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रोड शो करने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है? जैसा कि आप देख ही रहे हैं, पिछले रविवार को यहाँ आपके अमित शाह जी आए थे मीटिंग करने, और देश के प्रधानमंत्री होकर के नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और रोड शो के लिए। अब इससे साफ जाहिर होता है कि एक डर एक भय सता रहा है बीजेपी पार्टी को कि हमारा उम्मीदवार कहीं से हार ना जाए। और रही बात कानपुर की, तो अभी फैज भाई ने जैसा बताया, कानपुर में रोजगार के दम पे कानपुर खुद से चलता था, सेल्फ डिपेंड शहर है। मजबूरियां ये है कि यहाँ पे हम लोग कब तक बेवकूफ बनाए जाए। आप अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए आ रहे हैं, सिलेंडर कौन सा हमें 50% में मिल गया, पेट्रोल के दाम कौन से 50 रुपए हो गए हैं, या दालों के रेट गिर गए हैं, दुनिया भर की महंगाई बढ़ाते ही जा रहे हैं आप। ये डर और भय के लिए आप आ रहे हैं प्रत्याशी को जिताने के लिए। क्या इससे पहले आपका बीजेपी का प्रत्याशी सेकुलरिज्म से था, वो अच्छा व्यक्ति था, सत्यदेव पचौरी जी नाम है उनका, क्या इससे पहले वो नहीं जीते?
बात ये नहीं है, कानपुर की जनता हमेशा एक अपना अच्छा जनाधार, अपना अच्छा नेता चुनती है। अगर इनका प्रत्याशी अच्छा नेता होगा तो जीतेगा, नहीं तो कानपुर की जनता इसका रिजल्ट दिखा देगी। आपसे बात कर लेते हैं, क्या लगता है रोड शो का असर जो रहेगा अलग अलग सीटों पर, क्या लगता है आपको पड़ेगा जो लोकसभा के आसपास की जो सीटें हैं, लोग जैसे कि कयास लगा रहे कि आसपास के 13 लोकसभा सीटों पर असर पड़ेगा रोड शो, क्या लगता है? देखिए मुझे नहीं लगता है कोई असर पड़ेगा, धीरे धीरे जो उनका राष्ट्रवादी चेहरा था खुलता जा रहा है। अब आप देखिए लेटेस्ट मामले में कोविशील्ड का मामला आ गया, जिसमें ब्रिटेन ने 56 मुकदमे लगाए हैं कोविशील्ड कंपनी में, जिसने एक्सेप्ट किया कि हाँ इसमें कमी है, इससे लोगों की मौत हो सकती है, और उसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना फोटो लगाकर प्रचारित किया और लोगों को लगाया। इससे साबित होता है कि देश की जनता की जान की कीमत उनकी निगाह में कोई नहीं है। तो अब धीरे धीरे लोगों में ये असर आ रहा है, अवेयरनेस आ रही है, और जो विधानसभा में लोग रहते हैं वो वही लोग रहते हैं जो कोविड से लगवा कर आए हैं, या और मुद्दे पे जो महंगाई झेल कर आए हैं, या किसी तरह के और विफलताओं को गिन कर आए हैं। मुझे लगता है कोई असर नहीं पड़ने वाला। हमारे कानपुर, उन्नाव और अकबरपुर, ये सारी जो सीटें हैं ये गठबंधन प्रत्याशी बड़ी आसानी से जीते। हमारे साथ एक युवा साथी हैं, ये आपसे बात कर लेते हैं, क्या लगता है जो मोदी मैजिक कहा जाता था, मोदी मैजिक बरकरार है या नहीं बरकरार है, क्या है रोड शो होने जा रहा है? नहीं, ये सब बरकरार नहीं है, ये कानपुर में जो इनका पहला रोड शो हो रहा है, ये हो सकता है कि आखिरी रोड शो कहलाएगा, इसके बाद ये आएंगे भी नहीं यहाँ, कि युवा बहुत परेशान है, युवा सबसे ज्यादा परेशान है कि पेपर लीक हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ नहीं किसी गवर्नमेंट में हो रहा है, इससे होना नहीं चाहिए। जिस तरह से आपने देखा कि हमारे साथ कुछ लोग मौजूद थे, इनमें से जो कांग्रेस के लोकसभा प्रभारी यहाँ अल्पसंख्यक के हैं वो भी मौजूद थे, उनका कहना है कि आसपास की सीटों पर असर नहीं होगा, बीजेपी में डर है, इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद रोड शो करने आना पड़ रहा है। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।